नमस्कार साथियों, यू डाइस 2024-25 से तो टीचर्स मॉड्यूल एक्टिव किया जा चुका है, जिसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सूचनाओं को अपडेट करना है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सूचनाओं को आपको इस मॉड्यूल में कैसे अपडेट करना है, उससे जुड़ा वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले उपलब्ध करवा चुका हूँ। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उस वीडियो की आवश्यकता है, तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर त्रुटि रहित टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को यूडाइस पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो मेरे पास कई साथियों के कमेंट्स आए हैं कि न्यू ज्वाइनिंग टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को यूडाइस प्लस में कैसे जोड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू ज्वाइनिंग टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को यूडाइस प्लस पोर्टल पर जोड़ने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर को रख रखा है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूडाइस प्लस, ये लिखकर आप टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपके सामने जो यूडाइस प्लस की कई साइड ओपन होकर आएगी। तो जो आपका कार्य है टीचर संबंधी है तो आपको यहाँ साइड मिल जाएगी यूडाइस प्लस टीचर्स नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके डाइस कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी अपने यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको कुछ कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देंगे, उनको आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, आप यूडाइस के टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स डीसीएफ टू फिल द डेटा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ आपको टोटल टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, और यदि आपने टीचिंग स्टाफ की जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट नहीं किया होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ इनकम्प्लीट में आपके टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो मैं आपको वीडियो के आरंभ में ही बता चुका हूँ कि आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन को यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे अपडेट करना है, उससे जुड़ा वीडियो में आपकी सहायता है तो चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता ले लीजिएगा और अपने जो विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी इंफॉर्मेशन को पहले अपडेट कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। यहाँ आप देखेंगे एड न्यू टीचर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। जो न्यू ज्वाइनिंग टीचर्स विद्यालय में आए हैं यदि उनको आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। और यदि आपके यहाँ न्यू ज्वाइनिंग टीचर्स नहीं आए हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ यदि आपके विद्यालय में आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले हम न्यू टीचर जो आए हैं उनको यूडाइस पर जोड़ने की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो आपको भी ये ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, आप एड न्यू ज्वाइन टीचर पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको टीचर की जनरल प्रोफाइल या बेसिक प्रोफाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा रही है इन सभी इंफॉर्मेशन को आप फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने अगला पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा जहाँ आपसे जानकारी चाही जाएगी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। तो आपको यहाँ देख लेना है कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं उनको आपको रीड करना है, और जो नवीन कार्मिक आपके विद्यालय में आया है जिनकी भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं उनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का नवीन पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ आपसे जिस भी अध्यापक की आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं
उनकी ट्रेनिंग और अदर डिटेल ऑनलाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ बिंदु दिए गए हैं, आप इन बिंदुओं को अच्छे से रीड कीजिएगा और उसके अनुसार सभी सूचनाएं यहाँ आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको एक मैसेज शो किया जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। जिस भी अध्यापक साथी को आपने यूडैश प्लस पोर्टल पर जोड़ा होगा उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको क्या करना है, उनकी जनरल प्रोफाइल को भी फिर से अपडेट कर देना है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल को भी फिर से अपडेट करना होगा। आप इनको रीचेक कीजिएगा, जनरल प्रोफाइल आपको अध्यापक साथी की रीचेक कर लेनी है, अपॉइंटमेंट एंड जो टीचिंग प्रोफाइल है उसको भी आपको रीचेक कर लेना है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उस सभी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं तो उनको कैसे ऐड कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा स्कूल डैशबोर्ड नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू नॉन टीचिंग स्टाफ, जो आपके विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी इंफॉर्मेशन को आपको यूडैश प्लस पोर्टल पर ऐड करना है, तो आपको उस बटन का प्रयोग करना होगा, आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में है जिनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं उनसे संबंधित संपूर्ण जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाएगा। तो आप बिंदुओं को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करवाने के बाद आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ आपको सेव का बटन देखने को मिल जाएगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में है जिनकी इंफॉर्मेशन आप एड करना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यूडैश पोर्टल पर ऐड की जा चुकी है। जैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन यूडैश प्लस पोर्टल पर ऐड होगी उनकी संख्या आपको यहां दिखाई देने लगेगी। तो जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में है आप वन बाय वन सभी को यहां यूडैश प्लस पोर्टल पर जोड़ दीजिएगा। और टीचर्स की जो बात रही तो मैंने यहां बता दिया, यदि आप शैक्षिक स्टाफ को जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहां क्लिक करके जो नवीन टीचर आपके विद्यालय में आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है वो प्रक्रिया मैं आपको वीडियो के आरंभ में बता चुका हूं। तो इस तरह साथियों आप न्यू ज्वाइनिंग टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को यूडैश प्लस पोर्टल पर ऐड करेंगे, उसके बाद आपको टीचर्स मॉड्यूल को और ऑल कंप्लीट भी करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में आप यहां देख पा रहे होंगे मार्क कंप्लीटेड, ऐसा आपको भी लिखा मिलना चाहिए। मार्क कंप्लीटेड आपको कैसे लिखा मिलेगा वो जानकारी मैं अपने पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं, तो आप उस वीडियो की सहायता लीजिएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाया है, उसकी सहायता से आप आसानी से आपके ओवरऑल स्टेटस को मार्क कंप्लीट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मुझे मोटिवेट करने हेतु वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।